तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं विलेजर की लाइफ को, कि कैसे एक विलेजर की गलती ना होते हुए भी उसके विलेज से उसको निकाल दिया गया एंड फिर उसने बदले के लिए अपनी एक खुद की आर्मी बनाई और वो बन गया विलेजर। और गाइस, अभी हम लोगों ने 6 लाख हिट किए हैं, बट 6 लाख पे स्टॉप थोड़ी ना होना है, अभी तो और आगे जाना है ना, तो 7 लाख करने हैं अभी। तो सब्सक्राइब के बटन को ग्रे बना दो और इस वीडियो पे मेरे को चाहिए 45,000 लाइक्स। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ टाइम पहले हम लोगों ने देखी थी कहानी एक माइनक्राफ्ट विलेजर की, कि कैसे उन पे रैंडमली पिलेजर्स अटैक करते रहते हैं। बट याद रखें दोस्तों, हमेशा हर इंसान के काम के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, और आज हम उसी मकसद को जानेंगे इस पिलेजर की स्टोरी में। तो ये कहानी शुरू होती है एक विलेज की छोटी सी फैमिली में, जिसमें एक न्यू मेंबर ऐड हुआ, पर इनको क्या पता था कि ये लम्हाई इनकी पूरी जिंदगी बदल के रख देगा। आज तो भाई गुड न्यूज ही गुड न्यूज है, फैमिली में एक नया मेंबर ऐड हो गया है। आओ, मैं भी रोज लेके आया हूँ अपनी फैमिली के लिए। भाई बड़ा मोमेंट है ना, सेलिब्रेट तो करना पड़ेगा ना। मैं डेजर्ट में रोज लेने क्यों गया था, इतने सवाल मत पूछा करो। ओके, बस अपने घर चल देते हैं जल्दी से, मेरी पूरी फैमिली मेरा वेट कर रही होगी। मैं इंतजार नहीं कर सकता अपने बेटे को, मैं यही छोड़ के गया था अपनी फैमिली को, यही मेरा घर है। क्या हो गया भाई, एकदम से कोई ट्रिप बना ली क्या? सामान चोरी? नहीं, सामान तो मेरा पड़ा है। व्हाट, शायद इधर उधर घूम रहे हो विलेज में, देखते हैं जरा। हाँ, हेलो हेलो, किधर हो भाई, किधर चली गई मेरी फैमिली यार? इधर ही तो छोड़ के गया था मैं अपने घर में। इस विलेजर से पूछता हूँ, भाई साहब आपको पता है? नहीं, आप दोनों गप्पे मार लो अपने। भाई आपको, ये भी अपना बात कर रहे हैं अपना बात। ओ, ये अकेला विलेजर भाई। 15 मिनट विलेज में ढूंढने के बाद फाइनली विलेजर थक गया। यार मैं थक गया हूँ ढूंढ ढूंढ के, पूरे विलेज में मेरी फैमिली का नामो निशान नहीं है। जरा विलेजर चीफ्स के पास जाके पूछता हूँ कि भाई सीन क्या हुआ है, मैं डेस्क पे नहीं चढ़ता इनके। हेलो सर जी, मेरी फैमिली वैमिली गायब हो गई है, आप लोगों को कुछ पता है? हाँ भाई जान, हमें पता है, और ये बात हजम करने में शायद तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो। देखो असल में जो तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है ना, वो एक रेयर डिजीज के साथ पैदा हुआ है, यानी उसको एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। और वो बीमारी सिर्फ बीमारी नहीं थी, वो बीमारी एक कर्ज भी था। तो बड़े दुख के साथ मुझे ये बोलना पड़ रहा है, पर तुम्हारी फैमिली की मौत हो चुकी है। क्या 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 यार, तुम लोग अगर मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो तो कोई अच्छा प्रैंक नहीं है। देखो फैमिली पे मजाक नहीं करता। हम बिल्कुल प्रैंक नहीं कर रहे सर आपके साथ, ये बात तो छोड़ो, अब तुम्हें भी इस विलेज को छोड़ के जाना होगा। भाई मेरे को क्यों छोड़ के, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। मजाक कर रहे मारने का और कह रहे विलेज भी छोड़ के चले जाओ। देखो तुम्हारी फैमिली में जो रेयर डिजीज फैला है ना, वो 100 साल नहीं किसी विलेजर फैमिली में पाया जाता है। तो इससे पहले तुम यहाँ के सारे विलेजर्स को इन्फेक्ट कर दो, तुम्हें यहाँ से हम निकाल देते हैं। यार ऐसा मत करो, मेरी फैमिली जा चुकी है, मेरा घर भी छीन लोगे तो मैं क्या करूँगा? प्रैंक कर रहे हैं क्या मेरे साथ? क्या क्या हो गया, ये सब झूठ है, ये सच है? समझ नहीं आ रहा, ये लोग कह रहे हैं विलेज छोड़ के चले जाओ, मेरी फैमिली जा चुकी है और इनको परवाह नहीं है, अब खाना लेके निकलना ही पड़ेगा यहाँ से। मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा, मेरा सर चकरा रहा है। वहाँ से वो थोड़े से रिसोर्सेज ले जाता है ताकि वो किसी दूर जगह जाके अपना घर बना पाए। मैं अपना बस फैमिली के साथ खुश रहना चाहता था, अकेले रह के उसको सरवाइव भी करना आ गया, जो कि कोई भी विलेजर नहीं कर पाता था। ओ, ये मेरे पे अटैक क्यों कर रहे हैं ये ये मॉब्स मेरे पे अटैक? मेरे को तो लड़ना ही नहीं आता, कैसे लड़ा? मैंने मारा व्हाट, मैंने खत्म कर दिया। उसने अपनी जिंदगी के 10 साल ऐसे ही दुख में बैठ के बिता दिए। वो रेगिस्तान में अकेला घूमता रहता, सरवाइव करता रहता, पर उसे ये पता था कि वो कितने दिन ऐसा सब करता रहेगा। उसको कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में मूव ऑन करना होगा, या तो बदला लेना होगा। तो उसने सोचा कि उसे अपने बदले की शुरुआत पहले एक घर बना के करनी चाहिए। उसे विलेजर्स को ये दिखाना पड़ेगा कि आज तक जो वो लोग नहीं कर पाए, वो इस अकेले विलेजर ने कर दी। और अब तो ये एक उनका पार्ट भी कहलाना नहीं चाहता था, तो ये अपने आप को बुलाने लगा द पिलेजर। ऐसी साल बीतते गए, रोज पिलेजर कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करता, कुछ रिसोर्सेज जमा करता, अपने आप को और ट्रेन करता, ताकि वो एक बार जब विलेज पे अटैक करे तो एक भी विलेजर बच ना पाए। इस डिजीज की वजह से रोज उसका चेहरा भी बदलने लगता था, और उसके अंदर जो गुस्सा था वो उसके चेहरे पे भी दिखने लगा था। ऐसे करते करते वो और भी विलेजर्स को अपनी साइड पे लेने लगा। भाई आज तो बहुत ज्यादा काम किया है। वो डेजर्ट बायोम के विलेजर्स को तो ऐसा लूटा है ना, उससे देखो क्या क्या सामान ले लिया मेरे को, इतना सारा गोल्ड और ये मल्टी शॉट की एन्चेंटेड बुक भी। भाई आज तो मजे हो जाएंगे, मजे मजे।
इसको यहाँ रख देते हैं जो कि मैंने बाकी विलेजेस से चुराया है। अब तो इतना आतंक बन गया ना विलेजेस का कि हमसे पंगा लेने की कोई हिम्मत ही नहीं करता। अब वक्त करीब आ रहा है जो कि हम अपने विलेजेस से भी बदला लेने वाले हैं जिन्होंने मेरी फैमिली को मारा। हाँ, उनकी मौत का कसूर मैं उनको देता हूँ। वो बचा सकते थे उनको पर उन्होंने नहीं बचाया। मैं बोल रहा हूँ जल्दी से ना अपनी ये इस पे, हाँ मल्टी शॉट लग गई है, लेट्स गो। अब बस इसको टेस्ट करना है। यहाँ पे टेस्ट करना तो थोड़ा सेफ नहीं होगा क्योंकि मेरे भाइयों को भी लग सकता है। मैं जल्दी से जरा खाना लेके चलता हूँ यहाँ पे एंड जरा बाहर चलते हैं और देखते हैं कि कोई अपने को मॉब मिलता है तो वहाँ चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक रिवर के किनारे जाता हूँ और वहाँ पे जाके टेस्ट करता हूँ। ओ ये देख भाई, ये देख मेरी बो, क्रॉस बो कैसी लग रही है भाई? मस्त है यार, मेरे को भी दिलवाओ। भाई तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तू मेहनत करेगा तो तेरे को प्रमोशन दूंगा मैं। पहले ये क्रीपर्स पे चेक करूँ? नहीं यार, क्रीपर्स से अपनी थोड़ी दोस्ती है ना वो। फिर ये कौन है? इसको मैं पहली बार देख रहा हूँ। इस टाइप के क्रीचर को मैंने माइनक्राफ्ट में तो देखा नहीं। भाई ये कौन है? एक सेकंड, अटैक तो नहीं कर रही ना? मुझे ना पहचाना? नहीं, मैंने नहीं पहचाना। तुम पहले एक विलेजर थे ना? मैं उस वर्ड के साथ कनेक्टेड भी नहीं रहना चाहता। विलेजर्स ने मेरी फैमिली को मार दिया। तुम्हें इसलिए तो नहीं मारा कि तुम्हारी फैमिली में एक कर्स फाइंड आउट किया गया था? हाँ ऐसे ही कुछ था। तुम्हें इस बारे में कैसे पता? मैंने ही तुम्हारे विलेज को वो कर्स दिया था। कुछ हजार सालों पहले कुछ विलेजर्स ने मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ किया था जिसकी वजह से मैंने जादुई पावर्स को स्टडी किया और उसके बाद मैं विलेज से बदला लेने आ गई कि हर 100 साल में विलेज में एक ऐसी फैमिली पाई जाएगी जिसके अंदर ऐसा रेयर डिजीज और कर्स पाया जाएगा। क्या तुम मेरी फैमिली को वापस नहीं ला सकती कर्स माफ करके? मैं एक चुड़ैल हूँ, मैं कोई टाइम ट्रेवलर थोड़ी ना हूँ। भाई ये जो विच बोल रही है क्या सच है? मेरी फैमिली की कोई गलती भी नहीं थी फिर भी वो मर गए। भाई ये विलेजर्स ने मेरे साथ अच्छा तो नहीं किया। मैं तो बस सोचता था कि वो रेयर डिजीज किसी को भी हो सकता है पर ये तो एक कर्स था प्रॉपरली जो कि एक विच ने हमारे विलेज को दिया हुआ था। और कभी विलेजर्स ने ये सोचा भी नहीं कि इस बात को हम जरा सोच के देखे और मेरे को एक मौका तो देते। अभी मैं ऊपर जाके ऐलान करता हूँ इनको, सारी विलेजर आर्मी मेरी बात सुनो, मेरे विलेज ने मेरे को 60 साल पहले निकाल दिया था और मेरी फैमिली भी मारी गई थी। आज हमें उसका बदला लेना है जाके। क्या तुम सब बदले के लिए तैयार हो? आ जाओ मेरे साथियों, आ जाओ इस विलेज को खत्म कर डाले। किधर है वो लोग जिन्होंने मेरी फैमिली को मारा था? हाँ किधर भाग रहा है? हाँ मेरी फैमिली की मदद नहीं कर सकता था? और कहा है लोग? और किधर है? और कुछ? ओ कमेटी बड़ी बन रही थी ना। पहले इसको खत्म करो। पहले इस बंदे को, किधर भाग रहे हैं? चल मर, मरा नहीं, बहुत चर्बी है। चल हाँ, तुम दोनों क्या काम कर रहे हो? कोई काम नहीं करने के लायक हो तुम लोग। एक मासूम सी फैमिली को तुम लोगों ने अपने विलेज से निकाला। हाँ इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी तुम्हारी कमेटी की चमेटी बनाता हूँ। हाँ इधर आओ, तुम्हारी मैं कहाँ निकल पाओगे? हाँ फंसे हो तुम लोग। चलो। हाँ ये अकेला है, मारो इसको, खत्म करो, भागो इसके पीछे, मारो इसको, विलेज ही उड़ा दूंगा मैं, समझे क्या? चलो सारे जानवर भी इनके जले। विलेजर अपना आतंक मचा ही रहा था पर उसको वहीं दिखा कि एक विलेज की फैमिली एक फेंस में छुप के बैठी है। अच्छा जी इधर छुप के बैठे हो पर मैं तुम लोगों से ज्यादा एडवांस हूँ अभी। एक सेकंड, ये आवाज कैसी है? व्हाट, ये कौन है और ये मेरे आदमियों पे अटैक क्यों कर रहे हैं? ओ भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ये कौन लोग हैं? वो तो मेरे आदमियों को खत्म कर रहे हैं और अभी भी 3 है। भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से। विलेजर को पता चल गया कि वो इन थट्टे कट्टे आयरन गोलम एलियन से नहीं लड़ सकता तो वो फौरन अपने आउटपोस्ट लौट गया। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि मेरे को तो भाई बहुत ज्यादा मजा आता है ऐसी स्टोरीज बनाने में। आप लोगों को भी बहुत मजा आता है, व्यूज से देख के पता चल रहा है। बट एनीवेज, आई होप ये आपको बहुत ज्यादा स्टोरी पसंद आई हो। अभी तो और भी बहुत सारे मॉब्स की स्टोरी आनी है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक। चैनल पे और भी मस्त मस्त कॉन्टेंट आने वाले हैं। अगली वीडियो 600K स्पेशल वीडियो होगी तो उसे भी मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक ले पीस एंड लव, बाय बाय।